अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हिमायत अली और आप देख रहे हैं फुरकान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के बटन को दबा के आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज हम इस वाटर पम्प के वाल और बोगी को चेंज करने वाले हैं। तो ये हम किस तरह करते हैं ये सब इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले हम हेड को खोलेंगे जिसमें चार स्क्रू लगे हुए होते हैं। इन चार स्क्रूओं को आराम से खोलने के बाद इस तरह चाबी की मदद से इसको खोल सकते हैं। तो थोड़ा टोकना पड़ेगा क्योंकि ये जंग और पानी की वजह से ये जाम हो गया है। जंग की वजह से पानी की जगह पे रखा हुआ होता है, आपको पता है वाटर पंप। इस हेड में चार नट बोल्ट लगे हुए होते हैं। इन चारों को हम इसी तरह खोल देंगे। इन चारों नट बोल्ट को खोलकर हम मार्कर से या किसी चौक वगैरह से निशान लगा के इसको हम खोल देंगे। इस पर निशान पहले से लगा हुआ है, उसको इस तरह उठा देंगे। तो ये इसकी वाल प्लेट है, ये आप देख सकते हैं इसके वाल की हालत क्या हो गई है। स्प्रिंग टूट गए हैं, आप देख सकते हैं ये इसका स्प्रिंग, यहाँ से स्प्रिंग ही टूटा हुआ है। तो ये कैसे वाल काम करेगा? इन वालों की हालत देखो, ये सही से दब भी नहीं रहे हैं और ये घिस चुके हैं। ये चारों वाल इसी तरह के हैं, देख सकते हैं। हम इसमें ये चार नए वाल लगाने वाले हैं, चारों के चारों ही चेंज कर देंगे। तो हम इनको साइड पे कर देते हैं। फिलहाल हम बोकी को खोलेंगे। इसके अंदर जो गिलास के अंदर जो बोकी चलती है, जो पानी का प्रेशर बनाती है, इसके अंदर होती है, अंदर से जो शाफ्ट आ रही होती है उसमें लगी हुई होती है। तो इसको हम, इसमें एक ढकना होता है जिसको हम खोलेंगे, उसके बाद यहाँ से बोकी बाहर आएगी। तो इसको इस तरह एक एक नट बोल्ट को पूरा खोल देंगे और दूसरे को हल्का हल्का लूज करेंगे तो वो निकल जाएगा। इस नट बोल्ट को साइड पे कर देते हैं। अब इसको हल्का सा लूज करेंगे क्योंकि इसमें पूरा होल नहीं होता, इसमें खांचा बना हुआ होता है जिसमें ये ढकना फंसा हुआ होता है इसका। किसी किसी में पूरा ही सुराख होता है, किसी में खांचा बना हुआ होता है। तो इसमें खांचा बना हुआ है, इसको लूज करके लगने को निकाल लेंगे। ये जो प्रेशर नहीं बनता है ये बोकी की वजह से भी होता है। अब ये देखें, ये खुल गया, इसका पानी भी बाहर आ गया। इसको इस तरह हम निकाल लेंगे, ये निकल चुका है। अब ये अंदर इसकी बोकी लगी हुई होती है, जो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। इसको व्हील को घुमा के बोकी को करीब लेके आए जिससे आपको खोलने में आसानी होगी। ज़्यादा अंदर की तरफ होगी तो पाना प्लास वगैरह कुछ लगेगा नहीं। वो व्हील को घुमा के इसको आगे तक ले आए, ये आप देख सकते हैं ये इसकी बोकी है। व्हील को घुमाने से पीछे जा रही है, व्हील को घुमाने से ये आगे की तरफ आ रही है। इसको आगे रख के इसमें ये नट लगा हुआ होता है, इसको हम खोलेंगे ये रिंग पाने से। इस तरह इसको थोड़ा सा लूज करके हम इसको प्लास की मदद से जल्दी से खोल लेंगे इसको। उस तरह प्लास की मदद से इसको घुमा के बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर चूड़ी बनी हुई होती है,
किसी किसी में डारे की शाख में बोकी लगी हुई होती है, किसी किसी में चकनट बना हुआ होता है। इसके अंदर चकनट बना हुआ है जो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है बोकी समेत। वो आसान होता है बोकी बिठाने में। आप देख सकते हैं पूरा ही चकनट खुल के बाहर की तरफ आ रहा है। ये देखें बाहर आ गया। अब इन बोकियों की आप हालत देखें, क्या हालत हो गई है ये देख सकते हैं। तो इसका प्रेशर कहाँ से बनेगा, आप इसकी हालत देख सकते हैं बोकी की क्या हालत हो गई है। घिसके ये इसका चकनट है। हम इसमें से इसको भी हम यहाँ से खोलेंगे, उस बोकी को बाहर निकालेंगे इस पानी की मदद से। यहाँ से खोलेंगे, ये वाला चकनट खुलेगा। एक साइड से इसको हम प्लास से पकड़ेंगे, यहाँ से प्लास से पकड़ के इसको हम तरह खोल देंगे। ये जो होता है ये अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इन लोगों ने कि ये बोकी को फिट करने में बहुत आसानी से नया बंदा भी इसको कर सकता है। इसके अंदर चकनट होता है, इसके अंदर बिठा के बोकी को फिर इस चकनट को चढ़ा दिया जाता है शाफ्ट के ऊपर। इन बोकियों को बाहर निकालेंगे। अब इसके ऊपर इसके अंदर नई बोकी डालेंगे। अब ये हालत देख सकते हैं बोकियों की, ये नई वाली बोकी आप देख सकते हैं कितनी मोटी है। ये घिस घिस के इसकी क्या हालत हो गई है, प्रेशर कहाँ से बनेगा इसका। इसको हम साइड भी कर देते हैं, कचरे में फेंक देंगे और इसको हम चकनट में फिट करेंगे इस तरह। ये दूसरी को भी इस तरह फिट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर नट इसका लगा देंगे। बोगियों को थोड़ी देर 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगो के रखना पड़ता है जिससे इनको आसानी से फिट किया जा सकता है। ऐसे ये बहुत कड़क होती हैं तो फिटिंग में थोड़ी परेशानी होती है। हम इसको हम टाइट करके इसको अच्छे से टाइट करना है, बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए। प्लास और चाबी की मदद से इसको हम इस तरह टाइट कर देंगे। इस तरह अच्छे से टाइट करके इसको हम पानी में भिगो के रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। इसमें इसको पानी में डाल देंगे, इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम वाल की तरफ चलते हैं। अब हम वाल फिट करने वाले हैं। इसके अंदर पिन लगा हुआ होता है वायर, इसको पिन को सीधा करके इसको निकाल के इसके कैप को बाहर निकाल के वाइशर स्प्रिंग निकाल के ये वाल बाहर आ गया। अब इसमें नया वाल फिट करेंगे। ये इसका पिन निकालेंगे, स्प्रिंग और वाइशर निकाल के अब इसको आप देख सकते हैं इस तरह फिट करके वाइशर स्प्रिंग रख के इसके कैप को इसके ऊपर रख के इस होल को होल से मिला के इसमें पिन लगा देंगे इस तरह। इसमें पिन लगा देंगे, पिन को प्लास से टाइट कर देंगे। थोड़ा दबा देंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई लूजिंग ना रहे। दबा के अब इसी तरह दूसरे को भी हम निकालेंगे। तो पिन मूव करके इसको बाहर निकाल के तो कैप निकाल के स्प्रिंग इसके टूटा हुआ है, क्या हालत हो गई है इन लोगों की। ये प्लेन वाली साइड है, ये नई वाली बोकी निकालेंगे वाल।
तो ये सारा सामान साइड पे करके, जो इसकी प्लेन वाली साइड होती है इसको हम रबड़ वाली साइड से बिठा के स्प्रिंग लगा के वॉशर कैप इसका पिन फिट कर देंगे इसमें। इस तरह दबा देंगे। इसी तरह ये सारे चारों के चारों ही हम इसमें फिट कर देंगे। इतनी देर में हमारी जो बोगी हैं वो भी नरम हो जाएगी, उनको हम फिट कर देंगे। चलो ये चारों के चारों हो गए, अब हम चलते हैं बोगी की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं बोगी अब काफ़ी नरम हो चुकी है, इसको हम फिट करेंगे। शाफ्ट तक हाथ से इसको ले जाएंगे, इसको एडजस्ट करके शाफ्ट की चूड़ियों तक पहुंचा के हम इस तरह थोड़ा दबाना पड़ेगा क्योंकि ये बोगियाँ फूल चुकी हैं। इसको इस तरह एडजस्ट करके प्लास से इसको टाइट कर दें, जिस तरह खोला था इसी तरह इसको प्लास से टाइट कर देंगे। इसमें काफ़ी बारीक चूड़ी है, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। इस तरह टाइट कर देंगे। गिलास ख़राब हो जाता है तो इसकी बोगियाँ भी जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। अब इसको आखिर में रिंग पाने से अच्छे से इसको कस देंगे। जो प्लास से सही से जोर नहीं लगता है, जो रिंग पाने से हम इसको अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ये लूज नहीं रहना चाहिए, इससे प्रेशर नहीं बनेगा। ये करने के बाद अब हम इसका ढकना लगा देंगे, ये सील को एडजस्ट करके एक नट बोल्ट को इस तरह हम इसमें फंसा के उसे एडजस्ट करके अब इसमें सील को बराबर रख के थोड़ी सी भी सील आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इससे प्रेशर टूट जाएगा क्योंकि एयर उठाएगा तो फिर प्रेशर नहीं बनेगा। अब इसमें दूसरा नट बोल्ट लगा देंगे। इसको हाथ से थोड़ा टाइट करके एडजस्ट करके उसके बाद इसको हम चाबी से टाइट कर देंगे। 14-15 की चाबी से ये टाइट हो जाता है, इसमें 14-15 की चाबी लग जाती है। इसमें 12-13 की लगती है, इसमें 13-14 की लगती है, एक स्टैंडर्ड नहीं होता है। पाकिस्तानी पंप हैं ये, इसमें जिसको जो नट मिलता है नट बोल्ट वो ठोक देते हैं इसमें। इसको इस तरह टाइट करके हम दूसरे को भी इस तरह टाइट कर देंगे। इसको भी अच्छे से इसको टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट मत करना क्योंकि इसके जो बने हुए होते हैं वो नक्के वो टूट जाते हैं। सील लगा हुआ है, बस हल्का इसको टाइट कर देंगे। इसमें पानी भर देंगे, इसमें जो भी बोगी में कसर रह गई है फूलने की और भी फूल जाएगी इसमें जब तक हम इसको फिट करेंगे। इसमें हमने पहले से ही निशान लगाया हुआ था, इसको पहले भी हमने खोला था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं यह निशान लगा हुआ है। इसको निशान से निशान को मिला के लगा देंगे क्योंकि ये प्लेट और नीचे वाला वाल और हेड में इसके जो दो खाने होते हैं ये निशान हेड में भी निशान है, इनमें फ़र्क होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो अगर वो ये कोई घूम के लग गया तो प्रेशर नहीं बनेगा बिल्कुल भी,
तो खोलने से पहले इसको निशान लगा देना चाहिए। अब इसके हम नट बोल्ट लगा देंगे। ये चार नट बोल्ट जो होते हैं उनको चारों को हम इस तरह इसमें फिट कर देंगे। थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं इसको वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ। चारों को इस तरह लगा के चारों को चाबी से टाइट कर देंगे। एक आमने सामने वाले नट बोल्ट को टाइट करना चाहिए ताकि सील बैठे तो एक जैसी बैठे, अगर सील में कोई गड़बड़ी हुई तो इस तब भी प्रेशर इसका टूटेगा। पहले आमने सामने वाले कोने वाले टाइट करें, फिर दूसरे आमने सामने वाले कोने वालों को टाइट करें, जिस तरह मैंने अभी किया था। अब हम इसको भी टाइट कर देंगे। इसी तरह बारी बारी चारों ही नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। देख सकते हैं इस तरह इसको चाबी में अच्छे से इसको दबा के को टाइट कर दें। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे, इसका प्रेशर चेक करेंगे पहले हाथ से, ये हाथ को सक कर रहा है कि नहीं, खींच रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद हम इसको पानी से टेस्ट करेंगे। पानी में बाल्टी में पानी रख के पाइप को हम बाल्टी में डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से पानी आ गया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के बटन को दबा के इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।